हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद, एज यू ऑल नो, सिचुएशंस थोड़ी टफ चल रही थी। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। तो कोई नहीं, आज हम व्लॉग शूट करने वाले हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो चलो इब्बू के पास, चलो। तो गाइज, मुझे कार की वीडियो शूट करने नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और घर पे खाना नहीं बना था, क्योंकि मैंने बोली थी कि आज बिरयानी मैं बनाऊंगी मेरे हाथ से सभी के लिए। तो बिरयानी का भी टेक लेने मिला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और इब्राहिम इन लोग घर पे भी नहीं थे। तो फटफट से ये मैंने टोप के अंदर बिरयानी बना दी हूँ और अभी तैयारी हो रही है कुछ उम्र की, और अभी देखते हैं फर्स्ट टाइम इब्राहिम के घर पर। मेरे घर पर तो मैं रोज़ बनाते ही रहती हूँ, लेकिन इब्राहिम के घर पर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और लेट्स सी क्या होता है, पास होती हूँ कि नहीं। आई होप फॉर द बेस्ट। कैसा है शाहिद? कुचुंबर अच्छा है और खाना भी। कुचुम बहुत अच्छी बनी, क्यों आप ऐसा, तुम सही बताओ। जेन्युइन रिव्यू। हेलो गाइस, अभी ये तो खाने का पांचवा है। मटन क्या है अभी? हेलो बेला, रिव्यू लेने बिरयानी का। सो गाइस, कैसी थी बिरयानी? मस्त, माशाल्लाह। प्यारी थी, मजा आ गया। चावल मैंने भी नींद आ रही, लेकिन चावल व्हाट, चावल ना, चावल खाने से नींद आ रही। चावल बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। चावल से मुझे अमान, हां तुझे अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी ना, ऐसे झूठे कभी खाते थे तो बहुत बड़ा बवाल कर दिया। वो है ना, खाया बोलो। हेलो गाइस, पक्का? हेलो गाइस, बोलो। मस्त बनी थी बिरयानी, आप छोटू से बेबी हो ना, इसलिए आपको तेज लगी। ऑब्वियसली हाथों में जादू जो है मेरे, लो पहली रसोई का वो दो मेरे को, नेक दियो। हम लोग नहीं देते, मतलब क्या, इंसान खुशी से देता है। कहाँ गया पैर, इंसान खुशी से देता है। शाहिद कैसी थी? माशाल्लाह प्यारी। सुनो ना, हेलो हेलो, तुमको दे दो पहली रसोई, पहली रसोई को 1 लाख। बहुत कीमती है तेरा लाइक, रोज मिलता है। हाँ नहीं, दिमाग था, मुझे बाहर तक आएंगे। यू मिस्ड इट, किसने खाया? सबने खाए, आप जरा के लिए मिस हो गए। नहीं, ये इसने भी खाया, खाए दो प्लेट खाया है। और हाँ, सब खाए। सलमान भाई, यू नो व्हाट भाई, यू नो व्हाट, ये बिरयानी मैंने बनाई थी, बिरयानी मैंने बनाई थी। खाएंगे ना? ओके, मैं 3 से 4 दिन कंटिन्यू खा सकता हूँ। समझ गया, पास है, सक्सेस, पास है। थैंक यू। चलो मैं आपके लिए लाया भाई। सलमान ब्रो, भाई बहुत सारा लगा, खा लो खा लो। जरा भाभी, एक नंबर टेस्ट। ओह ये कुछ ना लगता, 8-8, 9-9 लाइन है ये कुछ ना लगता। वो
खुद खटा रहा है ना अमान? 40 फीट मारो तो चालू होती है। क्या बोला? 40 फीट मारो तो चालू होती है, वो भी बंद हो गया। हाँ संभालो जरा, गिर रहा हूँ। क्या करूँ, क्या लेना है अबू? होल सेल में एक सामान चाहिए था जो हमें इतने काफी टाइम से नहीं मिल रहा था, तो हम लोग सोचे यहाँ पे देख लेते, यहीं पे मिल जाए कहीं। अच्छा हाँ भाई, दबे यहाँ पे तो सब कुछ है। आपा ओ ब्रो रखो, हेलो गाइस। आप लोगों को पता है इब्बू बोल रहे हैं यहाँ पे ओजी ओजी ब्रांडेड फ्लिप फ्लॉप्स है, बोले हैं कुछ भी ओजी अगर यहाँ रहेंगे तो दूसरी दुकानों पे क्या मिलेगा? नॉट बैड। आपा अजान अपने पीछे पीछे आ गया, कैसा डर ही रहा आपा? लेकिन सही में यहाँ इंसान ही लग रहा हो, जैसा भी भाई है। तू जानवर है। तो गाइस जैसा आप लोग ने देखे कि मुझे मिली है मतलब गिफ्ट चॉकलेट, और क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इब्बू के घर पे बनाई थी, वो भी डायरेक्ट बिरयानी, और वो सीरियसली इतनी टेस्टी बनी थी। अभी रात हो रही है तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, 8:30 हो रहे हैं, तो अभी भी इब्बू खा के निकले के आने के बाद अगर ख़त्म हो गई तो। सो गाइज जैसे आप सब ने देखे कि सुबह सुबह उठ के मैं गई थी इब्राहिम के घर पे, मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हमारा डेली रूटीन हो गया है। इब्राहिम के यहाँ पे जाते बैठते थोड़ी हेल्प करते, क्योंकि घर अकेला नहीं होना चाहिए, उन लोग को अकेला फील नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग सब लोग रहते हैं। और इब्बू की बहन भी आए हुए थे अब से इधर, जो कि कल जाने वाले, तो उनको भी कंपनी के लिए, और दिल हमारा भी घर पे लगता नहीं, पूरा ध्यान मेरा इब्राहिम पे, वही घर पे ही रहता है। तो इसलिए मैं एटलीस्ट कभी कभी अगर इम्पॉसिबल रहता है तो भी मैं 2 घंटा तो भी 1-2 घंटा जाके आती ही हूँ। तो आज सुबह से मैं गई थी क्योंकि कल अप्पी जा रहे हैं उनके ससुराल वापस, तो मैं बोली कि अच्छा तुम सुन रहे तो अप्पी जा रहे हैं ससुराल कल वापस, तो मैं बोली चलो आज मैं कुछ अपने हाथ से बना के खिलाती, तो मैं बोली चलो बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि बिरयानी मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। वो बहुत अच्छा बढ़िया फर्स्ट टाइम, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग को अच्छी लगी, सब ने पेट भर के खाए, और जैसे आप लोगों ने देखे मुझे गिफ्ट भी मिला, पैसा और प्यार हर चीज़ मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस मैं इनको बोल रहा हूँ कि वीडियो डालना स्टार्ट करो, ब्लॉग्स आप लोग को देखना पसंद है तो जैसे ठीक है जो हुआ हुआ। अभी मैं जैसे आप लोग ने देखा मेरी रिसेंटली स्टोरी में, तो मैं बोल रहा हूँ कि बैक टू वर्क होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, काम भी ज़रूरी है। धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत अभी दूसरे चैनल पर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आया है, आप लोग इसको प्यार देना, सपोर्ट करना, और बहुत टाइम बाद कैमरा फेस कर रहा, टाइम लगेगा मेरे को, ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने बोला यार तुम एटलीस्ट कोई एक तो स्टार्ट कर दो। कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, इसका भी बहुत मन नहीं है, बट लेकिन अभी फर्स्ट टाइम कैमरा, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर, इतने दिन बाद कैमरा वापस से काम शुरू हो गया, तो क्या बोलना है क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी वो एक स्टेट पे भी नहीं है हम के कुछ अच्छा मजेदार एंटरटेनिंग करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, कोई नहीं, और पर जो हो रहा है हम उस हिसाब से आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग से शेयर करें जो हमारी लाइफ में अभी फिलहाल चल रहा है रूटीन, वो जो है वो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। और बाय द वे इब्राहिम का इंट्रो नहीं सुने है ना, सुना सुना लग रहा है, इंट्रो दे दो दे दो दे दो हेलो गाइस हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल और कैफा हाल, सो कैसे हैं आप सब? सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना क्योंकि काफ़ी दिनों से इनएक्टिव है, और ठीक है लाइफ में जो हुआ हुआ, लाइफ इज़ नॉट ईजी, और हर ये लाइफ का ट्रूथ है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ठीक है एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि जो हुआ है वो हम पर बीती है, हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, और बस ठीक है, पेट भी भरना चाहिए ना, अभी खाना भी खाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है,
तो फिलहाल तो क्या ही बताएं हम आप लोग, हम पे क्या बीत रही, क्या चल रही है लेकिन बैक टू वर्क और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ हमारे चैनल को प्यार दिखाओ और सपोर्ट करो, और प्लीज़ इब्राहिम की अम्मी के लिए दुआ करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी चीज़ आप बख्श सकते हो, कुरान शरीफ, यासीन शरीफ, जो भी हो रहा है आपसे, जितना भी हो रहा है उतना बस उनके नाम पे बख्श दो। बता दो नाम। मरहुमा रुखसाना भी, मैं तो सोचा भी नहीं था मेरी माँ के नाम के पीछे मरहुमा लगाऊंगा कभी, पर ठीक है, मरहुमा रुखसाना भी की मकसद के लिए दुआ करें और अल्लाह मेरी माँ को जन्नत के फिरदौस में जगह अता करे, जगह नसीब करे।